हुआ मैत्री? सांप। सांप कहाँ है? सांप हर्ष, ऐसा लगा मानो एक रामनाजा सांप हमारे घर में आ गया और उसने उसने मुझे डस लिया। फिलहाल तो एक ही सांप है जिसने तुम्हें चकड़ा हुआ है। हर्ष, इट्स नॉट फनी। मैं यहाँ इतनी डरी हुई हूँ, पसीने छूट रहे हैं मेरे, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं रो दूंगा। ये ऐसी तो मिसिंग थी, वो जो तुम गुब्बारे की तरह मुंह फुला ली थी ना, अच्छा नहीं लगता। और रही बात सांप की, तो सांप को भी पता है कि रियलिटी में अगर वो आएगा तो तुम्हारा हस्बैंड उसका सांप सीढ़ी खेल लेगा। और वैसे भी कहते हैं कि सपने में सांप आना शुभ होता है, और मैं तुम्हें जकड़ के सो जाऊंगा तो सांप सपने में भी नहीं आएगा। चलो सो जाते हैं। क्या सच में सपना था? ऐसा लगा मानो सामने खड़ा हो बड़ा सा सांप। ऐसा लगा जैसे कुछ था। अगर असली में कहीं सांप था तो यहीं कहीं होना चाहिए।
बहुत दिनों से ये रूम नहीं खुला, शायद यही हो। डरपोक डिटेक्टिव, ये कमरे में कबाड़ है, कोई साफ आप नहीं। हर्ष, मैं तो बस वो झूठी नो, कल रात के सपने के बाद से सांप ने तुम्हारे ख्वाबों को खेल लिया। You know, I'm kind of jealous, सांप से। कैसा सांप? क्या हमारे घर में सांप घुस आया है? घर में सांप नहीं चाची जी, मैथी के सपने में। वो कल रात मैथिली ने सपने में सांप देखा, तो उसे लग रहा है कि सच में यहाँ सांप घूम रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चाची जी, आप भी हर्ष की तरह मेरी टांग खिंचाई कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, मेरा मतलब है कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है और सपने में सांप देखना तो बहुत शुभ होता है बेटा। तू एक काम कर, हर सोमवार महादेव जी का अभिषेक किया कर, सब अच्छा होगा। हाँ तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे वापस आने की? तुमने जो किया है उसके बाद शर्म नहीं आई तुम्हें जो यहां चली आई? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? मैंने बुलाया है। मैत्री, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो ना कौन है ये? नंदिनी? दोस्त है मेरे। कोई दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारे, जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। इतनी जल्दी भूल गई क्या तुम? सौरभ को मैं घर में कदम रखने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इनसे बोले कि जाइए यहाँ से, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी है। वो नहीं है मेरी माँ, मेरी माँ एक ही है, वो आप क्यों लाए नया? अम्मा भूल गई क्या किया था इन्होंने? आपको हार्म करने की कोशिश की थी, सबको दुख पहुंचाया था। बेटा, भावनाओं में मत बहो। ये बहू है हमारी, लेकिन हम जानते हैं कितनी खतरनाक है ये। इसने सुना था कि साथ भी तो इसे माफ करने की सोच भी कैसे सकती है? चाची जी, मैं बस इसे एक मौका उसे दिया जाता है जिसकी सुधरने की कोई गुंजाइश हो। जो अपने ही पति के कातिल के साथ हाथ मिला ले, वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है बेटा। अरे किसी की तो छोड़ो, जो अपने ही बचपन की सहेली की सगी ना हो सकी, उसे मौका मिलने का कोई हक नहीं है। ठीक कह रहे सब लोग। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जिस आग ने तुम्हें पहले जलाया उसे दोबारा खुद से मत जलने दो। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नंदिनी को उसके किए की सजा मिल चुकी है, मैंने देखा है उसे जेल में अपने किए पे पछताते हुए। और मम्मी जी की मौत वो एक एक्सीडेंट था। नंदू का कोई इरादा नहीं था मम्मी जी को मारने का। और उसने जो मेरे साथ किया उसकी वजह सारांश था। उसने नंदिनी के मन में मेरे लिए जहर भरा था, अकेली पड़ गई थी, इनसिक्योर हो गई थी, बस इसी का फायदा उठाया सारांश ने। फिर हर्ष, कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती थी। हम अपनी परेशानियों में इतना उलझ गए, भूल गए कि नंदिनी पे क्या बीत रही होगी। हम अपना आशिया बनाने में लगे रहे और भूल गए कि नंदिनी की जिंदगी तबाह हो रही थी,
वो नंदिनी जिसने अपनी जिंदगी में इतने दुख और दर्द झेले, कड़वाहट मन में आना तो लाजमी है। लेकिन मैत्री, इसने तुम्हारी जान लेनी। प्लीज प्लीज, मेरी खातिर एक मौका दे दीजिए नंदिनी को। अरे, हमारे अलावा इसका है कौन? हम ही तो उसका घर परिवार है, और उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। दोस्त है मेरी, और अपनी दोस्ती की खातिर मैं एक बार फिर से इस पे भरोसा करना चाहती हूँ। बेटा, कौवा चाहे साबुन से कितना भी नहा ले, वो हंस की तरह उजला नहीं बन सकता। मक्कारी इसकी रगों में बस चुकी है, हमें नहीं लगता ये सुधरेगी कभी। हमें जी, सांप है ये, और सांप किसी के सगे नहीं होते। आज तूने इसे गले लगाया है, कल ये तुझे डसेगी, याद रखना। मैं इस पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे भरोसे पे मैं भरोसा करूंगा। जिस भी कैसे, तूने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। खौलते हुए पानी में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो साफ नहीं दिखता, वैसे ही गुस्से में इंसान को अपना सच नहीं दिखता। नहीं मैत्री, जाने दो मुझे। एक गिलास से दो गिलास, तीन गिलास से चार, पक्की अपनी दोस्त, पक्का अपना प्यार। बदली जो राहे उन्हें भूल आ रे, गुम है तू मेरे यार। तेरे आंसू ये बता रहे हैं कि तुझे अपने किए पे कितना पछतावा है। अरे, इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की बंद कर देती हूँ। अगर सांप घूम रहा है तो क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में घर में सांप है, या फिर उसके बारे में सोच सोच के मुझे वहम हो रहा है?
रखे लीजिए परोठा। झुमकी दीदी मजे क्या आपके हाथों में, इतना यम्मी पास्ता मैंने कभी पहले नहीं खाया। कितना यम्मी खाना बना दो आप, आज से हम बाहर का खाना छोड़ देंगे। वेरी गुड। चाय भी बिना शक्कर के, कितना ख्याल रखती है झुमकी सबका। खुश रहो बेटा। चाची जी, झुमकी के आ जाने से मुझे भी कितनी चीजों में मदद हो गई है, पता है आपको? किचन का सारा स्ट्रेस इसी ने ले लिया है। थैंक यू झुमकी। ना दीदी ना, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए दीदी। आपने मुझ जैसी अनाथ को रास्ते से उठाकर इस घर में ले आई, मुझे जगह दी, इज्जत दी, प्रेम दिया। आज के जमाने में भला दीदी कौन ऐसा करता है दीदी। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। पगली, रोती नहीं है? ये देख, अब ये परिवार तेरा भी परिवार है, तू इस परिवार का हिस्सा है अब। अच्छा बात सुन, जैसे तूने अपनी मेहनत और लगन से सबको खुश रखा है ना, वैसे कल घर में पूजा है, भगवान जी को भी प्रसन्न करना है ना, कुछ अच्छा सा प्रसाद बना देना। जी दीदी, आप देखिएगा, मैं ना बहुत अच्छा सा प्रसाद बनाऊंगी। आप लोग खाइए, मैं देखती हूँ। अरे पापा, आप आइए ना, हम लोग बस नाश्ता ही कर रहे थे। झुमकी ने इतनी कमाल की डिशेस बनाई है ना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो एक मिनट बैठिए। देख बेटा, मैं जो तुझसे पूछने जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ सच बताना, कुछ छुपाना मत। पापा, मैंने कभी भी आपसे कुछ भी छुपाया है? पूछिए। कल रात तू कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, सो रही थी। देख मैत्री, प्लीज मुझे सिर्फ सच बता। पापा, मैं बोल तो रही हूँ, मैं तो कल घर से बाहर ही नहीं गई, और आप तो मुझे ऐसे इंटरोगेट कर रहे हैं जैसे मैं आपकी कोई सस्पेक्ट हूँ किसी क्राइम की। तो सस्पेक्ट भी है और क्राइम भी हुआ है। क्या पापा, आप ये क्या बोल रहे? हाँ हर्ष, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर कल रात एक मर्डर हुआ है। भाई साहब, लेकिन इससे मैत्री का क्या लेना देना, आप इससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कल रात मर्डर वाली जगह के पास सीसीटीवी फुटेज में मैत्री को देखा गया। फुटेज है मेरे पास। मैं तो रात भर घर में ही थी। बेटा, अगर तू घर में थी तो ये कौन है? मैं तुझसे वही पूछ रहा हूँ, कल रात 2:30 बजे तू मर्डर वाली जगह पर क्या कर रही थी? मैं बोल तो रही हूँ आपसे, मैं घर में थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो में मैं कैसे हूँ। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं पिता होने से पहले पुलिस ऑफिसर भी, और एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तुझे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। नहीं पापा, मैथिली झूठ नहीं बोल रही, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए ना। हर्ष, पापा ड्यूटी कर रहे हैं, करने दो उन्हें, पर अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं दिख रही हूँ तो हमें सच तो पता लगाना होगा ना।
हम चलते हैं पापा, मैं तैयार हूँ, चलिए। मैं भी साथ चलता हूँ। चल बेटा। ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल कैसे हैं आप? वो मैं पापा, नंदू हमारे साथ ही रहती है, मैं ही लेकर आई हूँ। मैत्री, अब तो तुझे अक्कल आ जानी चाहिए थी। जिनकी फितरत पीठ पर वार करना हो, उन्हें गले नहीं लगाया जा सकता। अंकल उस पर हेलो वकील साहब, मुझे कुछ काम था आपसे। ये अंकल क्या बोल रहे थे? क्यों जाना तुझे पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सब क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। जिनकी दीदी मेरी मम्मा कहाँ जा रही है? पापा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, जब मैं घर से बाहर निकली ही नहीं तो मर्डर वाली जगह पहुंची कैसे? मैत्री, कानून सबूतों पर यकीन करता है और इस समय सारे सबूत तेरे खिलाफ है और जांच चल रही है, अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए तू घर जा सकती है, लेकिन जब तक जांच का फैसला ना हो जाए तू शहर से बाहर मत जाना बेटा। लेकिन हेलो,